अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे रियाजी चारुम जमात के लिए और हमारे सबक का उनवान है तस्वीरी शुमारियात। आइए बेटा, हम लोग सबक का आगाज करते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल दिया हुआ है बेटा, आप देखेंगे। नसरीन, वहीद, मेराज, हीना और दूसरे तुलबा गाँव के मेले में गए। मेले में मुख्तलिफ किस्म के खेल थे। तुलबा ने इनका लुत्फ उठाया। मेले में मुख्तलिफ किस्म की दुकानें थी, कुछ खिलौनों की, कुछ खाने पीने की, कुछ कपड़े की दुकानें थी। बच्चों की भीड़ खिलौनों की और खाने पीने की दुकानों पर थी। ज़का मेले में नहीं गया था। इसने वहीद से पूछा, कौन कौन सी दुकानें थी, कितनी थी? वहीद ने एक जदोल बनाकर इसे दिखाया। देखिए बेटा, आपको यहाँ पर एक जदोल नजर आ रहा है। इसमें दिया हुआ है दुकान की किस्म और यहाँ पर दिया हुआ है दुकानों की तादाद, जिसमें से नंबर एक पर है गिजाई अशिया, जिसकी दुकानें थी, दुकानों की तादाद थी 5, खिलौनों की दुकानें थी 3, कपड़े की दुकानें थी 2 और दीगर चीज़ों की दुकानें थी 5। समझ में आ रहा है बेटा आपको? अब यहाँ पर देखिए, नसरीन ने तस्वीरें बनाकर जदोल को दिलकश बनाया। यहाँ पर आपको दूसरा जदोल नज़र आ रहा है, जिसमें दिया हुआ है दुकान की किस्में। अब गिजाई अशिया की कितनी दुकानों की किस तादाद है बेटा? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गिजाई अशियों की 5 दुकानों की तादाद है। यहाँ पर आपको दुकान बनाकर बताया गया है। फिर यहाँ पर खिलौनों की तादाद, दुकानों की तादाद कितनी है? 3। कपड़े की दुकानों की तादाद कितनी है? 2। दीगर अशियाई दुकानें कितनी है? 5। वही, लेकिन इन तस्वीरों का क्या मतलब है नसरीन? एक तस्वीर एक दुकान के लिए है, खिलौने की 3 दुकानें हैं, इसलिए 3 तस्वीरें बनाई गई हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए दुकानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो क्या इतनी तस्वीरें बनानी होंगी? ये किसने कहा बेटा? ये हीना ने कहा। आपा, नहीं, हर मर्तबा इतनी तस्वीरें बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम अपने बाग के आम डब्बों में भरते वक्त एक डब्बे में 24 आम भरते हैं और गिनते वक्त डब्बे गिनकर बताते हैं कितने आम हैं। इसी तरह हम तस्वीरों के बारे में करेंगे। मेराज, मेरे मकान के सामने वाले बाग में गुलाब की 40, जासंदी के 20, सदाबहार की 30 पौधे हैं। मैं तस्वीरों का इस्तेमाल करके इसकी जदोल बनाता हूँ। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको पौधों की तादाद बताया गया है, जिसमें देखिए सदाबहार के कितने पौधे लगे हुए हैं। हम क्या करेंगे बेटा, एक पौधे की तस्वीर को हम 10 मान के चलेंगे। तो सदाबहार के हमारे कितने पौधे लगे हुए हैं? 10, 20, 30, 40। सदाबहार के 40 पौधे लगे हुए। यहाँ पर पैमाना दिया गया है बेटा, देखिए पैमाना दिया गया है, 10 पौधों के लिए एक तस्वीर है, यानी कि हम एक पौधे को 10 मानकर चलेंगे। यहाँ पर जासंदी के कितने पौधे लगे हुए हैं? 20। और गुलाब के कितने पौधे लगे हुए हैं? 30। बाग के कुल पौधे कितने हुए बेटा? 40, 20, 60, 70, 80, 90, पूरे हुए 90 पौधे। समझ में आया बेटा आपको? नसरीन ने तालीमी जलसे के लिए लाए हुए कुर्सियों की मालूमात तस्वीरी जदोल में दिखाई, लेकिन इसने कड़ी तरतीब में तस्वीरें बनाने की बजाय आड़ी तरतीब में बनाई। इस जदोल की मालूमात समझ लीजिए। तालीमी जलसे के लिए लाए हुए कुर्सियों की जदोल, देखिए बेटा आपको यहाँ पर एक जदोल बनाकर बताया गया है, जिसमें कुर्सियों की किस्में हैं और कुर्सियों की तादाद है। अब यहाँ पर पैमाना कितना गया है, दिया गया है बेटा, एक पैमाना यानी 10 कुर्सियाँ। अब यहाँ पर देखिए, लोहे की कितनी कुर्सियाँ हैं? हम एक कुर्सी को 10 कुर्सी मानकर चलेंगे, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पर लोहे की कितनी कुर्सी है बेटा? 50। प्लास्टिक की कितनी है? 80 कुर्सियाँ हैं। लकड़ी की कितनी कुर्सियाँ हैं? 20 कुर्सियाँ हैं।
कुर्सी ऐसी 8 तस्वीरें बनाई गई हैं, इसीलिए दूसरी सतह में प्लास्टिक की 8 ضرب 10। तो हम 8 को 10 से ضرب करें तो बराबर हमारा जवाब आएगा 80 कुर्सियाँ। ऐसी कुल 15 तस्वीरें हैं, इसलिए कुल कुर्सियाँ 15 ضرب 10 यानी 150 हैं। समझ में आ रहा है बेटा आपको? अब यहाँ पर देखिए कुछ मश्क दी गई है बेटा ज़ेल के जदोन्माद समझने के लिए। इसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। एक गांव के लोगों ने सैलाब जदगान के लिए अतिया जमा किया, इसकी तस्वीरी जदोन। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर एक आपको जदोल नज़र आ रहा है जिसमें पैमाना दिया हुआ है। एक घर का मतलब है 20 खानदान, है ना बेटा? आपको पैमाना नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए अतिये की सूरत, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि कौन सी चीज़ें अतिये में दी गई हैं। और यहाँ पे अतिया देने वाले खानदान, तो इसमें दवाओं का अतिया दिया हुआ है, जिसमें आपको तस्वीर में 3 नज़र आ रहा है, लेकिन आपको एक तस्वीर को 20 मानकर चलना है। तो यहाँ पर कितने लोग, कितने खानदानों ने अतिया दिया है? यहाँ पर 60 खानदानों ने हिस्सा दिया हुआ है, एक को हम 20 मानकर चलेंगे। समझ में आया बेटा आपको? अब देखिए गिजाई अशिया के कितने खानदानों ने अतिया दिया हुआ है? 80 खानदानों ने गिजाई अशियों का अतिया दिया हुआ है। कपड़े के कितने खानदानों ने अतिया दिया हुआ है? तो 40 खानदानों ने कपड़े के अतिये दिए हुए हैं। और दीगर के कितने दिए हुए हैं? दीगर के 60 खानदानों ने अतिया दिया हुआ है। कुल कितने खानदानों ने अतिया दिया हुआ? बेटा हमारे अतिया देने वाले कुल खानदान है 12। तो हम क्या करेंगे, 12 को 20 से ضرب देंगे। जब 12 को 20 से ضرب देंगे तो हमारा जवाब आएगा 240। कुल 240 खानदानों ने अतिया दिया। तो हमारे इस सवाल का जवाब हुआ कुल 240 खानदानों ने अतिया दिया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपको एक दूसरा सवाल भी दिया हुआ है। एक कस्बे में 160 घरों में खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? इस मालूमात की जदोल। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ईंधन दिया हुआ है गैस, केरोसिन, लकड़ी, गोबर गैस। और ईंधन इस्तेमाल करने वाले घर दिया हुआ है, जिसमें से गैस इस्तेमाल करने वाले कितने घर हैं? सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि पैमाना कितना दिया हुआ है। तो हमारा पैमाना दिया हुआ है, एक घर का मतलब 10 खानदान। गैस कितने खानदान इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए यहाँ पर गैस 10, 20, 30, 40। तो 40 खानदान गैस इस्तेमाल करते हैं। फिर केरोसिन कितने खानदान इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर तस्वीर दी गई है 7 घर, यानी कि 70 खानदान केरोसिन इस्तेमाल करते हैं। अब लकड़ी के ईंधन कितने इस्तेमाल करते हैं? 20 खानदान। और गोबर गैस के कितने खानदान इस्तेमाल करते हैं? 30 खानदान इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको सवाल पूछा गया है किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल करने वाले घर सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर लिखा जवाब लिखेंगे केरोसिन। केरोसिन इस्तेमाल करने वाले घर सबसे ज़्यादा है। गोबर गैस इस्तेमाल करने वाले घर कितने हैं? तो आप यहाँ पर लिखोगे 30 घर गोबर गैस इस्तेमाल करते हैं। गैस का इस्तेमाल करने वाले घर कितने हैं? तो आप यहाँ लिखोगे 40 घर गैस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे ये सवाल भी हल हो जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.